हिस्सा शेयर करने जा रही हूँ सुपर टेस्टी सुपर यमी सबका फेवरेट चटपटा मसालेदार आम पापड़ की रेसिपी। इस आम पापड़ को बनाएंगे आज हम कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो इस आम पापड़ को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं 1 किलो कच्ची कैरी। इस चटपटे मसालेदार आम पापड़ को बनाने के लिए हमें यहाँ पर कच्ची कैरी ही चाहिए। आप सभी से निवेदन है अगर आपको मेरी रेसिपी और मेहनत थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसी नई नई रेसिपीज देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पर कच्ची कैरी ली है इस सारी कैरी को हम छील लेंगे और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पर सारी कैरी को छील कर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पर ये मेरी कैरी जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ पर कच्ची कैरी चाहिए, वो थोड़ी मुलायम भी हो तो चलेगी। अब हमने यहाँ पर लिया है एक कुकर और ये जो हमने सारी कैरी ली है सारी कैरी को हम कुकर में डाल लेते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, पहली बार में ही एकदम परफेक्ट चटपटा मसालेदार आम पापड़ बनकर तैयार होगा जब आप इस तरह से बनाएंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। और हमने यहाँ पर कुकर में सारी कैरी को डाल दिया है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी और अब हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और इसमें हम 2 से 3 सीटी आने तक वेट करेंगे। और ये देखिए हमने 2 से 3 सीटी कुकर में लगा ली है, अब हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो कैरी है बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, इसी तरह की हमें कैरी चाहिए। अब जो इसमें ये एक्स्ट्रा पानी है, ये एक्स्ट्रा पानी हम सारा निकाल लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बोल और इसमें मैंने लगा ली है एक छलनी और इस छलनी पर हम ये सारी कैरी को डाल देते हैं। अब जो इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा जितना भी, ये सारा छलनी से नीचे निकल जाएगा और इस तरह से आप हिलाते हुए ये सारे पानी को निकाल लीजिए। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना सारा इसमें पानी बच गया है। ये देखिए इस पानी को हम फेंक देंगे, इसे हम यूज नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये जो कैरी का पल्प है ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे हमने मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल फाइन पीस लिया है, लेकिन अभी इसमें कोई टुकड़ा ना रह गया हो इसके लिए हम इसमें एक और प्रोसेस करेंगे। इसके लिए हमने जो बोल लिया था और छलनी ली थी, इसी छलनी में हम इस सारे कैरी की प्यूरी को छान लेंगे एक बार, जिससे कि इसमें अगर थोड़ा भी कोई कैरी का टुकड़ा रह गया होगा या फिर इसमें थोड़ा बहुत भी मोटी कैरी रह गई होगी तो वो सब निकल जाएगी, क्योंकि आम पापड़ बनाने के लिए हमें एकदम फाइन प्यूरी चाहिए। इसी तरह से छान लेंगे हम सारी प्यूरी को। ये देखिए इससे पहले मैंने अपने चैनल पर खट्टे मीठे आम पापड़ की रेसिपी भी शेयर की है, उसे भी आप एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप मार्केट से यही आम पापड़ लेकर आते हैं तो ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन आप इन्हें अगर घर पर बनाएंगे तो एकदम फ्रेश और सुपर टेस्टी बहुत कम खर्च में आम पापड़ बनकर तैयार हो जाता है। और ये देखिए आम पापड़ बनाने के लिए अब ये हमारी कैरी की प्यूरी बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब हमने यहाँ पर लिया है एक नॉन स्टिक पैन। अगर आप यहाँ पर नॉन स्टिक पैन ले रहे हैं तो आप इस प्यूरी को ऐसे ही इसमें डाल दीजिए, अगर आप यहाँ पर नॉन स्टिक पैन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप सिल्वर या स्टील के बर्तन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप पहले थोड़ा सा घी डाल लीजिए, उसके बाद इस प्यूरी को डालें, वरना ये बर्तन में सारी चिपक जाती है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 250 ग्राम चीनी। मैंने यहाँ पर 1 किलो कैरी के लिए 250 ग्राम चीनी का यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करते हुए हम इस चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। अभी हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर सबसे पहले हम इस चीनी को अच्छे से मेल्ट करेंगे और जब ये चीनी मेल्ट हो जाएगी तब हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम करेंगे। और ये देखिए हाई फ्लेम पर हमने सारी चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। इसे हाई फ्लेम पर पकाते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुकी हैं और हमने गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर दिया है। लो मीडियम गैस पर अब इसे पकाएंगे। अब इस चटपटा मसालेदार बनने के लिए इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, इसी के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और इसे अब चटपटा चटकारेदार बनाने के लिए इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला और अच्छे से सभी मसालों को करेंगे मिक्स। और अब हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे आप देखेंगे ये जो हमारा बैटर है ये थिक होना शुरू हो जाएगा। इस बैटर को पकाने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम चाहिए। 10 से 15 मिनट में ये बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये देखिए
मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इस मिक्सचर को अच्छे से पका लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम यहाँ पर जब तक ये बैटर पक रहा है, यहाँ पर हमने एक प्लेट ले ली है, इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और घी लगाकर इसे थोड़ा चिकना कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें पापड़ बनाएंगे तो बिल्कुल भी वो चिपकेगा नहीं, बहुत ही आसानी से निकल आएगा। और ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा ये आम पापड़ का मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है। इस तरह से आप स्पैटुला से या चम्मच से डालकर देखिए, अगर ये रुक रुक कर गिर रहा है तो ये बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रुक रुक कर गिर रहा है, एक साथ नहीं गिर रहा है। अब ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देंगे। अब हमने जो यहाँ पर प्लेट को घी से ग्रीस किया था, इस प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप यहाँ पर जितना भी मोटा या पतला आम पापड़ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे प्लेट में फैला लीजिए। मैं यहाँ पर आम पापड़ को ज़्यादा मोटा नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा मोटा आम पापड़ सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो मैं यहाँ पर आम पापड़ को ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला फैला रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, जब ये आम पापड़ बनकर रेडी होगा, मैंने किस थिकनेस के आम पापड़ को बनाया है। और यहाँ पर मैंने एक प्लेट में तो आम पापड़ को सेट कर दिया है, अब एक प्लेट में हमने और ऑयल लगा लिया था थोड़ा सा, और इसमें हम इसे डाल देंगे और इसे भी इसी तरह से फैला लेंगे। ये देखिए, आपको इसे चम्मच वगैरह से फैलाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से थाली को हल्का सा घुमा घुमा कर इसे फैला सकते हैं। और हमने यहाँ पर दोनों प्लेट में आम पापड़ को सेट कर लिया है। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे 2 दिन की धूप में। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया हमारा आम पापड़ बनकर रेडी होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन की धूप में मैंने इसे अच्छे से सुखा लिया है। और अब आप एक लीजिए नाइफ और नाइफ की हेल्प से इसके किनारों को हल्का सा छुड़ा लीजिए। और ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये आम पापड़ निकल आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा हमारा आम पापड़ बनकर रेडी हुआ है। आपको देखने से पता चल ही रहा होगा कितना ये बढ़िया बना है। अब चलिए कर लेते हैं इसकी कटिंग। अब आप इसके जिस भी शेप में कट करना चाहते हैं उस तरह से आप इसे कट कर लीजिए। आप अगर इसे रोल्स बनाना चाहते हैं आप रोल्स बना लीजिए, या फिर छोटे छोटे चौकोर पीस में इसे कट कर लीजिए। और ये देखिए, एक नाइफ की हेल्प से हम इसे छोटा छोटा कट कर लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हम इसे कट कर लेते हैं। आपको देखने से पता चल ही रहा होगा कितना बढ़िया हमारा ये आम पापड़ बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। किस किस को ये चटपटा मसालेदार आम पापड़ पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर सभी आम पापड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। हमारा आम पापड़ बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं तो चली इसे खाने। आप मेरी रेसिपी से कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह से हम दूसरी प्लेट के आम पापड़ को भी निकाल लेंगे। ये देखिए, तो देखा आपने कितना आसान है इस आम पापड़ को बनाना। अक्सर हम जब मार्केट से आम पापड़ लाते हैं तो यही सोचते हैं कि ये कितनी मुश्किल इसे बनाना है, कितने खर्च में बनकर तैयार होता होगा, लेकिन ये बहुत ही सस्ते में, बहुत कम खर्च में, बहुत कम समय में बन जाता है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।